अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम निश्चित समय सीमा के अंदर पूरे करने के लिए आप तीन सवालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से हैं वो तीन सवाल? पहला सवाल है, मेरी सबसे ऊंची वैल्यूएबल वाली गतिविधियां कौन सी हैं? यानी वो सबसे बड़े मेंढक कौन से हैं जिन निकल करके आप अपनी कंपनी के प्रति सबसे बड़ा योगदान देंगे, अपने परिवार के प्रति, कुल मिलाकर के अपनी जिंदगी के प्रति पूछने और जवाब देने के लिए। ये बड़ा ही अहम सवाल है। आपकी सर्वोच्च वैल्यूएबल गतिविधियां कौन सी है? सबसे पहले तो खुद ही इस पर विचार करो, फिर अपने बॉस से पूछो, अपने कलीग से पूछो, अपने अंडर काम करने वाले लोगों से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, परिवार वालों से पूछो। कैमरे का लेंस फोकस करने की तरह ही आपको भी काम शुरू करने से पहले अपनी सबसे ऊपर वाली वैल्यूएबल वाली जो गतिविधियां हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहिए। आप जो दूसरा सवाल लगातार पूछ सकते हैं वो ये है, कौन सा काम मैं और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं जिसे अच्छी तरह से करने से वाकई फर्क पड़ेगा। ये सवाल मैंने मैनेजमेंट गुरु पीटर ट्रकर से लिया है। आपकी पर्सनैलिटी प्रभावकारिता हासिल करने के लिए ये एक बेहतरीन सवाल है। कौन सा काम आप और सिर्फ आप ही कर सकते हो जिसे अच्छी तरह से करने से वाकई फर्क पड़ सकता है? ये ऐसा काम है जिसे सिर्फ आप कर सकते हो। अगर आप उसे नहीं करेंगे तो और कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप उसे कर देते हैं और अच्छी तरह कर देते हैं तो उससे आपकी जिंदगी और करियर पर वाकई फर्क पड़ जाएगा। हर दिन, हर घंटे खुद से ये सवाल पूछते रहें और इसका जवाब सोचते रहें। आपका काम है बिल्कुल स्पष्ट जवाब सोचना, फिर उस काम को दूसरे कामों में हाथ डालने से पहले शुरू करें और पूरा करें। आप जो तीसरा सवाल पूछ सकते हैं वो है, इस पल मेरे समय का सबसे मूल्यवान यूज क्या है? इस पल मेरा सबसे बड़ा मेंढक क्या है, कौन सा है? ये टाइम मैनेजमेंट का बुनियादी सवाल है। इस सवाल का सही जवाब देना टाल मटोल छोड़ने और बहुत प्रोडक्टिविटी बनने की चाबी है। हर दिन, हर घंटे, हर पल आप अपने समय का यूज करके सबसे इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। आपका काम है खुद से ये सवाल बार बार पूछना और फिर जवाब के अकॉर्डिंग काम करना, चाहे ये जो भी हो। पहली चीजें पहले करें और दूसरी चीजें कभी ना करें। जो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हें उन चीजों के रहमो कर्म पर नहीं छोड़ना चाहिए जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है। जनाब, इन तीन सवालों के जवाब जितने सटीक होंगे आपके लिए प्रायोरिटीज तय करना, टाल मटोल छोड़ना और उस एक काम को शुरू करना ज्यादा आसान होगा जो आपके टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल साबित होगा। अपने कामों की गतिविधियों और प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट बना लें। आप खुद से लगातार पूछते रहें, वो कौन सा एक प्रोजेक्ट या काम है जिसे अगर मैं तरीके से टाइम मैनेजमेंट में निपटा सकूं तो मेरे काम धंधे या निजी जिंदगी में सबसे ज्यादा पॉजिटिव नतीजे हासिल होंगे। हर दिन, हर घंटे वो सबसे इंपॉर्टेंट काम तय करें।
जिसे आप उस वक्त कर सकते हैं, फिर अपने समय के सबसे यूजफुल इस्तेमाल के लिए खुद को डिसिप्लिन करें। इस वक्त आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? आपके लिए जो भी काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका गोल बना लें, फिर उसे हासिल करने की प्लानिंग बनाएं और फौरन अपनी योजना पर अमल करने लगे। जुटने से ही दिमाग की अंगीठी जलती है, तो शुरू कर देना, काम पूरा हो जाएगा।